Hello children, in this video we will do past statement in Python. The past statement of Python is a do nothing statement, that is empty statement or null operation statement. Python ki past statement ko empty statement bhi kaha jata hai aur null statement bhi kaha jata hai, right? Okay, and why we call it empty statement और null statement, इसको empty statement और null statement क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोई भी work नहीं करती है. When we use the past statement, तो ये कोई भी काम नहीं करती है, कुछ भी execute नहीं होता है. Whenever Python encounters a past statement, Python does nothing and moves to the next statement in the flow of control. जब भी पाइथन में हम पास्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर कुछ भी नहीं करता है, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती है और कंट्रोल कहाँ चला जाता है? पास के नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे चला जाता है, राइट? ओके, अ पास्ट स्टेटमेंट इज यूजफुल अगर इसमें कोई वर्क नहीं होता है, राइट? I told you कि past statement जब आप use करते हो तो कुछ भी नहीं होता है. That's why it is also called as empty statement or null statement or nothing to do statement, right? तो why we are using this past statement? अगर past statement use करने से कोई भी statement execute नहीं होती है तो हम इसका use क्यों करते हैं? A past statement is useful in those instances where the syntax of the language requires the presence of a statement, but where the logic of the program does not. Past statement का use वहाँ होता है जहाँ पर program का syntax चाहता है कि कोई statement यहाँ हो, right? लेकिन logic क्या चाहता है कि कुछ भी execute ना हो. ओके, सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज मींस द सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्राम वांट्स दैट देयर शुड बी वन स्टेटमेंट, राइट? क्या चाहता है? यहाँ पे कोई ना कोई स्टेटमेंट लिखी हो, राइट? लेकिन लॉजिक क्या कहता है प्रोग्राम का? वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना करे. स्टेटमेंट तो हो पर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना करे, राइट? तो इस केस में हम कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं? पास स्टेटमेंट, क्योंकि उसकी प्रेजेंस तो होती है बट वो कुछ करती नहीं है, राइट? वो एग्जीक्यूट नहीं होती है. ओके, देन ओके, वी हैव एग्जाम्पल ऑफ पास स्टेटमेंट हियर. Suppose we have a loop or a function that is not implemented yet. हमारे पास मान लो कोई भी loop है या function है जो क्या है, हमने execute नहीं किया है, बना लिया है but उसको execute नहीं किया, implement नहीं किया है. But we want to implement it in future. हम क्या चाहते हैं? हम उसे बाद में, future में कभी उसको implement करें या उसको execute करें. It cannot have an empty body. The interpreter would complain. लेकिन क्या है, उसको हम उसकी बॉडी को हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, बिकॉज इन दिस केस इंटरप्रेटर क्या करेगा, एरर शो कर सकता है. ओके, सो वी यूज द पास स्टेटमेंट टू कंस्ट्रक्ट अ बॉडी दैट डज नथिंग. तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम बॉडी के अंदर पास स्टेटमेंट यूज करेंगे. ओके, क्योंकि पास स्टेटमेंट इज देयर बट इट विल नॉट एग्जीक्यूट, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या हमने किया, वी वॉन्ट टू क्रिएट अ लूप. हम एक लूप या एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, राइट? बट हम ये चाहते हैं कि वो फंक्शन अभी एग्जीक्यूट ना करे. ओके, और इसलिए हमने क्या किया, ओके, इसलिए हमने क्या किया, उसकी बॉडी में पास्ट स्टेटमेंट को, पास्ट स्टेटमेंट हमने उसकी बॉडी में यूज करी, राइट? जिससे क्या होगा, स्टेटमेंट तो है बट नथिंग विल हैपन, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट? ओके, सो यू कैन सी दिस एग्जाम्पल हियर. ओके, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, सीक्वेंस, वन सीक्वेंस, और सीक्वेंस हमने क्या लिया, इसमें हमने पाइथन सीक्वेंस लिया, स्ट्रिंग सीक्वेंस लिया, राइट? अब नाउ हियर नेक्स्ट लाइन में क्या है, फोर लूप. हम वी आर यूजिंग द फोर लूप फोर सीएच. सीएच इज द कंट्रोल वेरिएबल इन सीक्वेंस, राइट? एंड देन अगर हम इसको सिंपली करते हैं फोर लूप को, तो क्या होगा, सी एच विल कंटेन द करेक्टर्स ऑफ द सीक्वेंस वन बाय वन, राइट? एंड क्या होगा, सी एच उसके
सीक्वेंस के कैरेक्टर्स को वन बाय वन क्या करेगा, एक्सेस करेगा, ओके, असाइन करेगा और लूप बॉडी एग्जीक्यूट करेगी वन बाय वन. पर यहाँ पे हमने लूप बॉडी में क्या दिया हुआ है, पास दिया हुआ है. तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इस प्रोग्राम को, इस फोर लूप को एग्जीक्यूट करते हैं, तो नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पास स्टेटमेंट क्या होती है, एग्जीक्यूट नहीं करती है. सो यू कैन सी द आउटपुट, यहाँ पे जब हमने F5 प्रेस किया है तो क्या है, कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, राइट, ओके. Let us take one more example here. यहाँ पे हमने क्या एक प्रोग्राम और बनाया for I in the range 0 to 10, right? Okay? And then हमने loop body में क्या दे दिया, pass दे दिया. अब loop body में pass दे दिया, otherwise अगर हमने pass नहीं दिया होता तो क्या होता, I will contain the values from 0 to 9, ठीक है, 0 to 9 values contain करता और with each value क्या होता, loop body execute करती, fine. बट यहाँ पे हमने क्या दे दिया, पास स्टेटमेंट दे दिया, ओके. एंड आफ्टर द लूप वी हैव गिवन द स्टेटमेंट प्रिंट गुड बाय, फाइन, ओके, आउटसाइड द फोर लूप. अब फोर लूप में तो पास स्टेटमेंट है, ओके, सो नथिंग विल हैपन, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा. बट जो हमने आउटसाइड स्टेटमेंट दी है, डेट विल प्रिंट When you will press the F5, जब आप यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए F5 प्रेस करोगे तो आपका क्या होगा, जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी, बट जो लूप के बाहर वाली स्टेटमेंट है गुड बाय, डेट विल एग्जीक्यूट, राइट, ओके. सो दिस इज द यूज ऑफ द पास स्टेटमेंट, वेयर द सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्राम रिक्वायर्स अ स्टेटमेंट बट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम डज नॉट रिक्वायर एनी स्टेटमेंट, फाइन, okay. So here I am going to show you this. जैसे हमने ले लिया sequence equal to four CHM sequence, and then in the body we have given pass, right? So here okay, then we will execute this. अब यहाँ पे देखो, जब आपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं आया, राइट, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, बिकॉज आपने उसकी बॉडी में क्या दिया था, पास स्टेटमेंट को दिया था, राइट, ओके. वन मोर एग्जांपल वी कैन सी, for I in range 0 and 10, fine. In the loop body we have given pass, fine, then print, goodbye, right, okay. Now we are going to execute this. Now here you can see pass statement execute नहीं हुई है, right? And जो loop के बाहर वाली statement है goodbye, that is executed, right? वो execute हुई है, fine. So this is the pass statement, okay?